हाय गाइस, तो आज हम बात करते हैं कि सेक्टोरल और थेमेटिक म्यूचुअल फंड स्कीम में क्या फर्क है। तो सेक्टोरल म्यूचुअल फंड स्कीम यानी वो म्यूचुअल फंड कैटेगरी जो एक पर्टिकुलर सेक्टर में इन्वेस्ट करती है, जैसे बैंकिंग, फार्मा एंड टेक्नोलॉजी। जबकि जो थेमेटिक म्यूचुअल फंड स्कीम होती है वो एक पर्टिकुलर मार्केट बेस्ड थीम पर इन्वेस्ट करती है, जैसे इनोवेशन एंड एनर्जी। तो इसी एनर्जी थीम के अंदर SBI अपना एक नया NFO लाया है जिसका नाम है SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड। तो अब हम सबसे पहले इस NFO की डिटेल्स के बारे में बात कर लेते हैं। सो SBI एनर्जी अपॉर्चुनिटी फंड इज एन ओपन एंडेड म्यूचुअल फंड स्कीम व्हिच प्रीडोमिनेंटली इन्वेस्ट इन इक्विटी एंड इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स रिलेटेड टू कंपनीज एंगेज्ड इन न्यू एंड ट्रेडिशनल टेक्नोलॉजी कंपनीज। इस फंड की स्टार्टिंग 6 फरवरी को हो चुकी है और ये फंड 20 फरवरी को क्लोज होगा। ओपन एंडेड स्कीम यानी वो म्यूचुअल फंड कैटेगरी जिनकी यूनिट्स को हम कभी भी बाय या सेल कर सकते हैं। इस फंड का जो कंपेयरिंग बेंचमार्क है वो है निफ्टी एनर्जी TRI। और अब हम समझते हैं कि क्या हमें इस NFO में इन्वेस्ट करना चाहिए और क्यों SBI म्यूचुअल फंड AMC ने इस म्यूचुअल फंड स्कीम को लॉन्च करा। बिकॉज इंडिया वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट एनर्जी मार्केट है और आत्मनिर्भर भारत विजन के अकॉर्डिंग इसकी ग्रोथ अभी और बढ़ सकती है। एंड इंडियन गवर्नमेंट की 55 स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग बाय ईयर 2030 इंडिया में कार्बन इंटेंसिटी 45% से कम करनी है। इसके साथ साथ इंडिया में 50% ऑफ एन टोटल एनर्जी रिक्वायरमेंट रिन्यूएबल रिसोर्स पर हो जाएगी, जो है विंड, ग्रीन एंड सोलर एनर्जी। एंड विद दिस बाय ईयर 2070 इंडिया विल अचीव नेट जीरो कार्बन एमिशन। और इसके साथ साथ मिनिस्ट्री ऑफ पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस दो अलग अलग इनिशिएटिव और लॉन्च करेगी फॉर क्लीनिंग एयर एंड वाटर। इसके अलावा इन सारे प्रोसेसेस के साथ बाय ईयर 2050 इंडिया एक पोटेंशियल एनर्जी एक्सपोर्टर में ट्रांसफॉर्म हो सकता है। तो अब क्रेजी सवाल ये आता है कि इन सब प्रोसेस के बाद भी SBI म्यूचुअल फंड AMC क्या स्ट्रेटेजी फॉलो करेगी इस फंड के पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्शन और पोर्टफोलियो मैनेजमेंट में। तो ये फंड बारबल स्ट्रेटेजी को फॉलो करेगा जिसके अंदर ये फंड ट्रेडिशनल और न्यू एनर्जी टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस करने वाली कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे और अपने इन्वेस्टर को एक अच्छा रिस्क एडजस्टेड रिटर्न जनरेट करके देंगे। फंड मैनेजर्स इस फंड में पावर प्रोड्यूसिंग या एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपनीज में इन्वेस्ट करेंगे, जैसे ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसिंग कंपनीज, पावर प्रोड्यूसिंग कंपनीज, इसके साथ साथ ग्रीन एनर्जी प्रोड्यूसिंग कंपनीज में भी इन्वेस्ट करेंगे। अगर हम इस थीम के लास्ट 3 ईयर्स के रिटर्न्स को कंपेयर करें तो निफ्टी एनर्जी TRI ने हमें 28.22% का रिटर्न जनरेट करके दिया है, लेकिन इसके साथ निफ्टी 50 ने हमें सिर्फ 17.34% का रिटर्न जनरेट करा है। अब हम इस फंड के फंड मैनेजर्स के बारे में बात कर लेते हैं। इस फंड के फंड मैनेजर हैं मिस्टर राज गांधी जिन्हें 17 इयर्स का एक्सपीरियंस है और मिस्टर प्रदीप केसवान जिन्हें 18 इयर्स का एक्सपीरियंस है और वो इस फंड के साथ साथ SBI FOF को भी मैनेज कर रहे हैं। अब इस फंड का जो रिस्कोमीटर है वो थोड़ा हाई है और इसके साथ साथ इस फंड का जो मिनिमम इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो है ₹5,000 और इस फंड में हम 1,000 की SIP से इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये इन्फॉर्मेशन यूजफुल रही होगी। इसी तरह की और इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें और हमारे साथ बने रहें।